पैसों की इल्जाम लग रहा है। देखिए, अगर लेन देन के मामलात करने होते ना, तो आज से पहले जब अप्रैल में ये मूवमेंट शुरू हुई थी, उस वक्त बहुत अच्छा मौका था। लेन देन के मामला तब क्यों ना कर लिए। दूसरी बात ये कि ये जो लोग कह रहे हैं ना कि मंडियां लग गई हैं, ये हो गया वो हो गया, लगी होगी, मेरे इल्म में नहीं है, लगी होगी, मैं इनकार नहीं कर रही, मैं इनसे खिलाफ नहीं कर यानी रही, ठीक है, आपको कह रहे हैं लगी हुई है, आपको लेकिन आप मेरी बात इतराज क्या सुनिए है या शिकायत क्या जी। है? शिकायतों के तो अंबार हैं, लेकिन चीधा चीधा बातें मैं आपको बता बताइए। देती हूँ, जिनमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमने दो बार इन पे भरोसा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 10 10 सीटों के साथ कोई भी स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली इलेक्ट नहीं होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट से, इनके भरोसे से इन्हें हमने स्पीकर बनाया। जब स्पीकर बनाया उस वक्त भी अदम एतमाद आई। चले, चेयरमैन ने कहा कि अब हम इनको सीएम नॉमिनेट करते हैं। हाँ, चेयरमैन का फैसला सर आंखों पे। हमने कितनी लड़ाई नहीं लड़ी, हमने क्या कुछ नहीं किया इनके लिए, मुकदमात का सामना किया, मार खाई। अच्छा, और हर तरह से एक बड़ा हम नुक्ता शाम साहब उसका अगर आप इजाजत दें, क्योंकि ब्रेक भी आ गई। मोमना साहबा, ये आपके अलावा भी कुछ और आपके दोस्त हैं जो आपके हामी और वोट नहीं देना चाहते? देयर आर सो मेनी पीपल, लेकिन अंदाजन तादाद क्या होगी लोगों मोमना के साहबा? मुफादात हैं, लोगों को टिकटें चाहिए, लोगों को सीटें सिक्योर करनी है, चलिए और हो सकता है वो ना बोले।